एटीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्टेट बैंक बिल पर मुशावरत नहीं की गई। मुतनाजा बिल को पहले स्टीयरिंग कमेटी में भेजा जाता है। अपोजिशन को कभी भी टारगेट नहीं बनाएंगे, हमारा एक ही टारगेट है, लॉन्ग मार्च आगे पीछे नहीं होगा। कोई बिल जब असेंबली में आता है और इस तरह का जो मुतनाजा हो उसे पहले स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है ताकि जो उससे इख्तलाफ करने वाले हों उनके नुक्ते नज़र सामने आ सके, और अगर उनके नुक्ते नज़र सही हो तो फिर बिल में तरमीम की जा सके और फिर जाकर उसको असेंबली में या पार्लियामेंट में लाया जाए। अपोजिशन मुत्तहिद है और अपोजिशन के इत्तेहाद का नाम पीडीएम है। हम अपोजिशन को कभी टारगेट नहीं बनाएंगे। कोई हमें कहे कि आगे पीछे कर लो, नहीं, हमने हतमी फैसला किया है कि 23 मार्च ही को होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कश्मीरी हुकूमत पाकिस्तान से तवक्को ना करें, आलमी दुनिया इस मामले पर कुछ करे। हमने खुद कश्मीर को भारत के हवाले किया। JUI 5 फरवरी को कश्मीरियों से इजहार यकजहती मनाएगी।